अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आपके साथ एक बहुत स्पेशल चीज़ शेयर करने वाले हैं। तकरीबन एक साल पहले मैंने और रमा ने अपने आईपैड पे एक स्टूडियो का डिज़ाइन लेआउट बनाया था और आज उस स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन फेज़ ख़त्म हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने इसमें क्या क्या डिज़ाइन फीचर्स रखे हुए हैं स्टूडियो में, और थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर करूँगा कंस्ट्रक्शन के मराहल के। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स शो यू द स्टूडियो। तो अगर आपने सोलर पैनल वाली वीडियो नहीं देखी, ये हमारा सोलर पैनल सेटअप है और इसके नीचे जो थी ये छत थी, ये ममटी थी हमारी और ये पूरा छत का हिस्सा था। मगर हमने इस छत को आधा डिवाइड करके जितनी भी हमारे पीछे अंदर जगह थी उसको हमने स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया। वो जो हमारा स्टूडियो बाथरूम है और ये हमारे स्टूडियो की एंट्रेंस है। ये अभी इसमें सारा पेंट वर्क बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ भी पेंट नहीं हुआ एज यू कैन सी, बट लेट्स गो इनसाइड। ये कारपेट आ चुका है इस स्टूडियो के लिए और ये है जी हमारा स्टूडियो। इसको ये सारा पहले छत का हिस्सा था, खुला हुआ था, फिर हमने यहाँ एक दीवार लगा दी है और वहाँ भी दीवार चढ़ा दी है, तो एक कमरा बन गया प्रॉपर स्टूडियो के लिए। और ये भी सब कुछ टेम्परेरी है, ये सारा मेकशिफ्ट हमने बनाया हुआ है। एक हमारे पास स्टूडियो टेबल पड़ी, सॉरी एक डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी हमारे पास घर में, तो अभी उसको हम टेम्परेरीली यूज़ कर रहे हैं एज एन एडिटिंग टेबल। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि देयर लॉट ऑफ सॉकेट्स गोइंग, देयर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हियर, और ऊपर भी बिजली के सॉकेट्स हैं और नीचे भी बिजली के सॉकेट्स हैं, मगर एक स्टैंडर्ड हाइट पर नहीं है जो यूजुअली होते हैं ना, तकरीबन यहाँ पे सॉकेट्स लगे होते हैं नीचे ऊपर और बटन वगैरह सब। तो हमने इसको या तो बहुत ज़्यादा नीचे रखा हुआ है इन सॉकेट्स को, या बहुत ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है। ये इसलिए किया है ताकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हों तो पीछे गंदे से सॉकेट नज़र ना आ रहे हों, क्योंकि एक हमारा जो चेस्ट लेवल है उसमें कोई आपको सॉकेट नज़र नहीं आएगा, या तो नीचे आएंगे या ऊपर आएंगे, ताकि ये कैमरे की आँख ना देख सके इन सॉकेट्स को। तो ऊपर हमने ये GI पाइप्स लगाए हुए जो यूजली गैस वगैरह में यूज़ होते हैं या पानी के सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं घरों में, हमने उनको वेल्ड करके छत पे लगा दिया। ये छत फाइनल है, हमने वी वांटेड एन इंडस्ट्रियल लुक टू इट, तो हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है गंदा मंदा सा, बट वी लाइक दिस लुक। तो पैसे भी बच गए थोड़े से और ये अच्छी सी हमें एक लुक भी मिल गई। तो हमने ये लगाए हैं फॉर हैंगिंग लाइट्स एंड माइक वगैरह, जो भी हमें ऊपर से लटकाना होगा, कैमरे भी कभी कभी लटकाने होते हैं फॉर ओवर द हेड शॉट्स। और ये जो सॉकेट्स हैं ये बिजली सप्लाई करेंगे लाइट को, या जो भी हमें कैमरे को चार्ज करने के लिए, ओवरहेड रिग्स बनाने के लिए। तो ये सारे जो ऊपर सॉकेट्स हैं इन डंडों में जो भी चीज़ हम लगाएंगे उनको बिजली प्रोवाइड करेंगे। नीचे भी ईथरनेट केबल के पोर्ट है और बिजली के पोर्ट्स हैं, ये हमने लगाए हैं अगेन फॉर चार्जिंग एनीथिंग दैट वी नीड। और हमने ये सब कुछ थोड़े थोड़े फासले से इसलिए लगाया है ताकि हमें एक्सटेंशन केबल्स के झंझट से जो है ना छुटकारा मिल जाए। वी डोंट वॉन्ट एनी थिंग मूविंग अराउंड द फ्लोर। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारे सॉकेट्स हैं, इतने सारे सॉकेट्स की क्या ज़रूरत है, मगर इफ़ यू हैव एवर बीन इन अ स्टूडियो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी इक्विपमेंट होती है और सब बिजली से चल रही होती हैं। और यूजली ऑन सेट यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन केबल्स हेयर एंड देयर, उस चीज़ से हमने छुटकारा हासिल करने के लिए, बिकॉज आई डिडंट वांट एनी वायर्स मूविंग अराउंड ऑन द फ्लोर, और उसमें फिर ट्रिपिंग के चांसेस होते हैं, फिर इक्विपमेंट गिर जाता है ये और वो। आई वांटेड दिस होल एरिया टू बी फ्री ऑफ केबल्स, और दिस इज़ व्हाई हमने जो है इतने सारे सॉकेट्स लगाए हैं, ताकि वी नेवर एवर हैव टू यूज़ एक्सटेंशन केबल्स इन दिस स्टूडियो। अभी ये जो कोना है और ये जो कोना है, ये हमारे वर्क स्टेशन होंगे, दैट्स वट वी हैव प्लान्ड। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉकेट्स भी नज़र आ रहे होंगे और ईथरनेट केबल भी है यहाँ पे, दो हैं यहाँ पे ईथरनेट के पोर्ट्स, तो टू सप्लाई इंटरनेट टू आवर कंप्यूटर्स। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी, यहाँ प्रॉब्ली मेरा होगा और यहाँ पे रमा का वर्क स्टेशन होगा, और ऊपर विल प्रॉब्ली रिग लाइट्स वगैरह। सो दिस इज़ द प्लान। और आपको क्या दिखाएं, हाँ ये खिड़की हमने रखी हुई है, ये डबल ग्लेज्ड है और हमने बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट लगाया है इसको साउंड प्रूफिंग के लिए। अभी आपको कोई भी बाहर से आवाज़ नहीं आ रही होगी, और इसकी ये वजह है कि हमने ये UPVC के डबल ग्लेज्ड
शीशे लगाएं। एज यू कैन सी इसके अंदर दो ग्लासेस हैं, एक ये है अंदर और ये इसके अंदर पीछे एक और ग्लास है। इससे ये हुआ है कि हमें मोटा डबल ग्लास मिल गया है और इससे इंसुलेशन भी मिल गई है हमें, तो स्टूडियो का टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल रहेगा और हमें साउंड प्रूफिंग भी मिल गई है। अभी बाहर कबूतर काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं मगर अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। एज़ यू कैन सी जो दरवाज़ा है वो भी उसी मटेरियल का बना हुआ है और उसी तरीके से बना हुआ है। UPVC का फ्रेम है और डबल ग्लेस ग्लास हैं, इसमें भी वही फीचर्स हैं जो उस खिड़की में। और हमने बाहर की तरफ जो है जो शीशा है वो टेम्पर्ड ग्लास है ताकि वो कोई तोड़ के अंदर ना आ सके। इस खिड़की का एक और बड़ा कूल फीचर है, ये टिल्ट एंड टर्न खिड़की है। इफ़ यू हैव बीन अब्रॉड, बाहर आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा हो, बट आई एम जस्ट गोना डेमॉन्स्ट्रेट दैट फॉर यू इफ़ यू हैवंट सीन इट। तो इस ये खिड़की दो तरीके से खुल जाती है, एक तो ये नॉर्मल तरीका है, यूँ खुल गई आपकी खिड़की, ठीक है। एक और तरीका है इसका खुलने का, अगर हम इसको टोटल ऊपर कर देंगे तो ये ऐसे भी खुल जाती है, तो थोड़ी सी हल्की सी हवा आ जाती है। तो उसके दो तरीके हैं खुलने के, एंड दैट्स प्रीटी कूल। अगेन साउंड प्रूफिंग वॉज अ बिग फैक्टर। तो ये काफ़ी मोटी आपको दीवार नज़र आ रही होगी क्योंकि इसके बीच में हमने थर्मापोर की पूरी शीटें लगाई हैं अराउंड द स्टूडियो, और छत के ऊपर भी हमने एक थर्मापोर की शीट लगाई हुई है। इससे स्टूडियो का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल रहता है इन एवरी टेम्परेचर। इस्लामाबाद में एक्सट्रीम वेदर्स हैं, इस वक्त शदीद सर्दी हो रही है आजकल और गर्मियों में भी अच्छी खासी गर्मी हो जाती है अब। तो ये मोटी दीवार है, एक तो उसका पहला फ़ायदा ये कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, दूसरा फ़ायदा ये कि एक साउंड प्रूफिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। बाहर की एक्सटर्नल साउंड आपको पता है पाकिस्तान में कोई ठेले वाला आ रहा है, कोई कुकर वाला आ रहा है, कभी छल्ली वाला आ रहा है, तो उससे जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग्स में ना इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिए हमें साउंड प्रूफिंग बड़ी ज़रूरी थी, वैसे भी स्टूडियो में आपको साउंड प्रूफिंग करनी चाहिए, तो ये हमने इसलिए किया। इस दीवार पे हमने ज़रूरत से ज़्यादा सॉकेट्स इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि हमने इधर प्लान किया हुआ है एक चार्जिंग स्टेशन और रैक लगेगा यहाँ पे इक्विपमेंट का, अभी इट्स इन द प्लानिंग, अभी पूरा इसमें बिल्कुल हमने काम नहीं किया हुआ, बट प्लान यही है कि यहाँ पे हम अपनी सारी इक्विपमेंट रखेंगे और वो हमेशा प्लग्ड इन रहेंगी ताकि हमेशा व्हेनेवर वी जस्ट टेक देम आउट दे आर ऑलवेज चार्ज्ड। एक और चीज़ जो हमने स्पेशली स्टूडियो में डिज़ाइन की है वो है ये रेड लाइट्स। इसका मकसद ये था बेसिकली कि क्योंकि कभी कभी स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होती है और यू डोंट वांट एनी इंटरप्शंस टू हैपन, तो ये एक एज अंदर से हम ऑन कर सकते हैं लाइट्स को। सो इट्स अ साइन फॉर जो भी अंदर आना चाह रहा है या कोई नॉक करना चाह रहा है उसको, ये एक एज अ साइन है कि प्लीज़ डोंट नॉक या प्लीज़ डोंट कम इन एट द मोमेंट। एंड ये यूजली ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज़ में ये होता है, तो हमने ये भी स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है ये फीचर। सो इसमें हम कोई रिकॉर्डिंग वगैरह का हमने अभी लिखवाना है, इट्स नॉट कम्प्लीट येट, बट ये भी हमने स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया था। तो ये एक सिक्योरिटी कैमरा भी है जो हर चीज़ मॉनिटर करेगा कि कौन अंदर स्टूडियो के आ रहा है और जा रहा है। तो हमारे एसी के लिए हमने चूज़ किया है केनवुड का 1838S ई-स्मार्ट वर्जन और इट्स वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एसीज इन पाकिस्तान क्योंकि ये फुल डीसी इन्वर्टर एसी है, इसमें हीट एंड कूल दोनों फीचर्स आते हैं, सो वी आर सेट फॉर बोथ सीजन्स इन द स्टूडियो। और ये ई स्मार्ट वर्जन है तो इसको हम मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये पहले हमारी ममटी के छज्जे का हिस्सा था, तो इसको तोड़ने के बजाय हमने इसको स्टूडियो में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है ताकि फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज वगैरह, यू नो। तो ये नीचे इक्विपमेंट रैक होगा, ऊपर जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो जाएगा। और ये हमारा राउटर है जो पूरे स्टूडियो को इंटरनेट सप्लाई करता है और सारे ईथरनेट पोर्ट्स को भी इंटरनेट सप्लाई करता है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था वो ये है कि जो हमारे स्टूडियो की दीवार है वो हमने नॉर्मल दीवारों से थोड़ी ऊंची रखी हुई है क्योंकि ऊपर से चीज़ें हमने रिग करनी है और वी नीड दैट एक्स्ट्रा एलिवेशन। तो ये दीवार तकरीबन 11 फुट की है, वेयर एज नॉर्मल दीवारें जो होती हैं वो 9 फुट की होती हैं। इस वक्त आपको स्टूडियो में बहुत ज़्यादा गूंजने की आवाज़ आ रही होगी और इस बिकॉज इस वक्त स्टूडियो बिल्कुल खाली है और हर तरफ से साउंड बाउंस होके इधर उधर हो रही है और गूंजने का पूरा एक इफ़ेक्ट आ रहा है।
और इसका जो सबसे बेसिक हल है वो ये कि आप अपने स्टूडियो में कारपेट बिछा लें। उससे ये होता है कि जो भी बाउंस हो रही होती है आवाज़, वो नीचे कारपेट एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे बहुत ज़्यादा आपके जो गूंजने वाली आवाज़ है वो कम हो जाती है। मगर अभी भी उसके बाद भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब हम अपना पूरा फर्नीचर डालेंगे और ये सब होगा, फिर हम स्पेसिफिकली इसको देखेंगे कहाँ से आवाज़ गूंज रही है। उसको भी मैं आपको उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, और फिर हम उधर साउंड पैनल्स लगाएंगे ताकि जो है जहाँ पे भी आवाज़ ट्रैप हो रही है और एको हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये फोम वगैरह लगाएंगे ताकि वहाँ से भी जो है आवाज़ गूंजे नहीं, और बिल्कुल ये एक परफेक्ट साउंड स्टूडियो में आए ताकि रिकॉर्डिंग्स में हमें डिस्टरबेंस ना हो। तो दैट्स इट, स्टूडियो में कारपेट बिछ चुका है और हमारे अब वर्क स्टेशन रह गए हैं जो कारपेंटर के पास हैं अभी। और आई थिंक कि ऑडियो में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा बिकॉज ऑफ द कारपेट। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, मैं आई विल फाइंड आउट इन द एडिट, बट आई थिंक अभी भी थोड़ी पूरी कम्प्लीटली एको एलिमिनेट नहीं हुई होगी, तो अभी भी इसमें फर्नीचर आएगा और थोड़े बहुत साउंड पैनल्स लगेंगे जिसकी वजह से साउंड और थोड़ी एब्जॉर्ब होगी। अभी बिल्कुल खाली कमरा है ना, तो कारपेट से आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा, विल फाइंड आउट। उसके अलावा डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।